मैंने सोचा कि जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं वो मैं अपने वीडियो में फीचर्स करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग्स। फटाफट आप भी एक कमेंट्स कर दो, आपके भी कमेंट्स में फीचर करने का ट्राई कर रहा हूँ। मतलब फटाफट मैं सोचा कि जितने ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे उतने लोगों की मैं ज़्यादा फीचर्स करूंगा कमेंट्स। रात को मैं नांदेड़ तो पहुंच गया था अच्छे तरीके से, एकदम नॉर्मली पहुंच गए थे हम नांदेड़ को। बट उसके बाद नांदेड़ एक्सप्लोर करने के बाद भाई मेरा मन तो टोटली उड़ गया, और सुबह सुबह मैं फटाफट जल्दी उड़ गया क्योंकि अपने को आज बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना था। मतलब आज अच्छी खासी कसरत होने वाली थी। हॉस्टल का व्यू दिखा देता हूँ, ये अपना मोहित। मोहित यार मतलब बहुत सही बंदा है। थम्स अप मोहित के लिए, थम्स अप। नांदेड़ को भी बाय बाय किया और मैं मेरे फैमिली निकल गया हिंगोली की ओर। हिंगोली लगभग नांदेड़ से 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फिलहाल में अभी हम तो है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, यहीं पे मेरा मतलब जन्म हुआ था। तो यहाँ पे सुबह से उठ के बढ़िया नांदेड़ से यहाँ पे लगभग हमको लगा 1.5 घंटा लगा, नहीं 1 घंटा लगा मैक्सिमम। 5-10 बजे निकले थे, मैं बॉर्न हुआ यहाँ पे ये एरिया में। तो आज का प्लान कुछ अलग है। फिलहाल में तो मम्मी वगैरह शॉपिंग कर रहे हैं करके मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो अभी गाड़ी चलाते हुए रहता। फिलहाल में ये अभी टाइम हो रहा है लगभग 11, अपनी गाड़ी लगभग आज की ट्रिप कल रात को अपनी ट्रिप होगी 480 हुई थी और आज अपन ने लगभग कवर किया है 160 किलोमीटर। गाड़ी का एवरेज ज़बरदस्त है। उस दिन मैंने 4200 का डीजल भरवाया पूरी फुल टंकी, और अभी तक के मेरी गाड़ी 550 किलोमीटर चल चुकी है और मेरी गाड़ी की टंकी आधी है। समझ लो एवरेज फिर कितने का निकाला होगा। मैं और मेरी फैमिली निकल गए ऑन द नागनाथ टेम्पल। नागनाथ मतलब एक शिव का टेम्पल है। औंधा नागनाथ में भी एक अलग ही स्टोरी है, मैं प्रॉपर धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 12 ज्योतिर्लिंग में से उसको 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है और ये टेम्पल लगभग महाभारत के टाइम का है, जब युधिष्ठिर को अपने राज्य से निर्कासित कर लेता मतलब पाबंद कर देता। उस टाइम पे पांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर ने ये टेम्पल बनवाया था। ये जो करंट टेम्पल देख रहे हो 13th century में यादवों ने बनाया था। और इसको फिर औरंगजेब ने जब वॉर जीता तो उसके बाद औरंगजेब ने इस टेंपल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, लगभग बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया था। रिकंस्ट्रक्ट किया गया और इसको अहल्याबाई होलकर ने बनवाया। मतलब नामदेव जी इस टेंपल में आए थे और शिव की पूजा करने के लिए, और वहाँ के जो पंडित है उन्होंने उनको बोला था कि आप छोटी जाति के हो और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो नामदेव जी उस टेंपल के बैक साइड जाकर वहाँ पे कीर्तन करने लगे अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव भगवान ने उस पूरा मंदिर का जो डायरेक्शन है, जो टेंपल का जो डोर है, वो अपने भक्त की ओर करवा दिया था, और मतलब डायरेक्शन पूरी चेंज करवा दी थी। फाइनली पूरे दर्शन हो गए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, गाड़ी बहुत गर्म हुई पड़ी है, बस अभी निकलना दूसरे, अभी पता नहीं कौन सा डेस्टिनेशन जाना। उसके बाद मैं पहुंच गया हिंगोली फिर से, और हिंगोली में मेरे को जाने का और एक सरप्राइज मिलता है। मैं पहुंच जाता हूँ एक ऐसे हवेली में जहाँ पे एक ये बच्चा एक ब्लॉगर पैदा हुआ था, मतलब मैं जहाँ बॉर्न हुआ था वहाँ पे मैं पहुंच गया। और वहाँ आके देखता हूँ कि भाई मैं तो एकदम बढ़िया हवेली में पैदा हुआ था, और जहाँ मैं पैदा हुआ था वो रूम देखा जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ मैंने कुछ अपने ज़िंदगी के तीन चार साल मैंने गुजारा है उस गलियों में, उस घर में, उन लोगों के साथ। उसको मैं और मेरी फैमिली निकल गए ईसापुर डैम। पूरे लोग गांव में मतलब कोई नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं घुस मतलब गांव के अंदर थे ना उस टाइम पे कोई नहीं था, सब अपने खेतों में काम कर रहे थे।
ऐसे घूमने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ पर गाँव में कोई था ही नहीं। फिर उसके बाद हम खेतों में गए और वहाँ पे मामा मिले, मामा ने अपने खेत में लेके गए और खेत में लेके जाने के बाद हमें अपना खेत दिखाया। और उसके बाद मैं निकल गया ईसापुर डैम का वो तालाब देखने। उसमें मुझे ऐसा कुछ पता चला कि वो तालाब लगभग 55 विलेज से बना हुआ है। मतलब 55 विलेज वहाँ पे बसे हुए थे, उसको निकाल के अलग शिफ्ट किया और इस तालाब को क्रिएट किया गया है। करना था और मेरे हालत पूरी टोटल टाइट हो गई थी यार। देखो ब्लॉगिंग कर भी नहीं सकता था, एक तो फैमिली थी और मेरी कंडीशन तो टोटली थी नहीं, क्योंकि मैं खुद ड्राइवर था और मुझे ही ड्राइव करना था। लगभग ये 4 दिन के ट्रिप में मैंने बहुत ड्राइविंग चला लिया, बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं भी ड्राइव कर पाऊँ। कैसे भी ड्राइव करके मैं भगा दिया और 10 घंटे का ड्राइव मैंने 7 घंटे में कवर कर दिया। उस टाइम पे मज़ा आ गया। तो ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, बूम बम।